बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सहाफत के अंदर एक बड़ा नाम और तमाम तर इख्तलाफात को साइड पर रख के अगर कहें कि पाकिस्तान में चंद मशहूर सहाफ़ियों में शुमार होने वाली शख्सियत हामिद मीर, उन्हें जियो से बिलाखिर कर दिया गया है फारिग। और पाकिस्तान की तारीख का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख का लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शो जो है उसमें से चलता किया है मीर शकीलुर रहमान ने हामिद मीर को, और बिलाखिर कह ही दिया है कि हामिद मीर जाओ और जाने दो। और इस सब के अंदर बहुत से इल्जाम लग रहे हैं। कुछ लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा रहे हैं कि दबाव डाला गया, कुछ लोग इसकी तरदीद कर रहे हैं। हकीकत इससे बड़ी मुख्तलिफ है, जबकि दूसरी जानब हामिद मीर ने एक नया महाज खोल दिया है, एक नई जंग का आगाज कर दिया है और जो धमकियां हैं उनके अंदर मजीद संगीनी आ चुकी है और हामिद मीर के इल्जामात मजीद संगीन से संगीन तर हो चुके हैं। जबकि पूरी दुनिया से नाज़रीन कराम आवाजें उठना और पाकिस्तान को बदनाम करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इस सब के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपके साथ इस वीडियो में मैंने शेयर करनी है, बड़ी एक्सक्लूसिव। एक तो हामिद मीर की पाबंदी के ऊपर कुछ मुझे इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली है कि ये चंद हफ्तों की पाबंदी है या ये ताहयात पाबंदी है। इसके साथ ही साथ हामिद मीर के प्रोग्राम को बंद किया जाएगा, नया एंकर लाया जाएगा, फिलहाल कौन करेगा, ये सारी की सारी डिटेल जो है ये भी मैं आपके साथ अभी कुछ ही देर में शेयर करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट हामिद मीर की धमकी और हामिद मीर का मुस्तकबिल है और अब मजीद हामिद मीर के खिलाफ क्या होने जा रहा है और मीर शकील ने आखिर ये फैसला क्यों कर किया और अब हामिद मीर का अगला कदम क्या होगा, मैं इस सारी की सारी डिटेल्स जो है ये आपके सामने रखूंगा। चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपको मैं और मेरी टीम जितनी हैपनिंग्स हैं उनसे आगाह रख सकें। नाज़रीन कराम, हामिद मीर को जैसे ही जियो से फारिग करने का कहा गया, आप ये देखें कि इससे पहले हामिद मीर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, हामिद मीर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते रहे, फौज को चले छोड़ दें, फौज बहुत बुरी होगी, एस्टैब्लिशमेंट बहुत बुरी होगी। हामिद मीर ने इस तरह की खबरें भी ब्रेक की हैं, हामिद मीर ने इस तरह की बातें भी की हैं जो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ गई हैं, जिन्हें भारत ने हर महाज पर इस्तेमाल किया है। लेकिन उसके बावजूद हामिद मीर पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। लेकिन अब ये जो पाबंदी हामिद मीर के ऊपर लगाई गई है और उनके अपने चहेते जियो की तरफ से, इसके पीछे बड़े अहम तरीन मुहर्रिकात हैं। एक तो ये कि हामिद मीर ने इस दफा बिलो द बेल्ट जो है तमाम तर चीजें जो हैं वो हामिद मीर ने हदें उबूर कर दी, रेड लाइन क्रॉस कर दी। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, आप देखें कि जो जुबान हामिद मीर इस्तेमाल कर रहा था वो बेडरूम तक जा घुसा। ये बीबीसी या सीएनएन भी होता तो वो कोई भी इदारा ऐसे आदमी के साथ अपने आप को एसोसिएट ही नहीं करना चाहता। अब इश्यूज क्या आ रहे हैं, इत्तलात ये हैं कि जिस तरह से तलत हुसैन को जियो से निकाला गया, तलत हुसैन आज तक ये कहता है, तलत हुसैन आज तक ये बयान देता है कि भाई मुझे जियो से इसलिए निकाला गया था कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था। सवाल ये पैदा होता है जियो पे शाज़िब खानज़ादा क्यों बैठा है आज तक, सवाल ये पैदा होता है कि जियो पे सलीम साफी को क्यों नहीं जियो निकालता। असल मसला यह है कि मीर शकीलुर रहमान है बिजनेसमैन, वो खुद कहता है मैं सहाफत नहीं करता, मैं बिजनेस करता हूं, मेरी रोजी रोटी ये है, मेरा कारोबार ये है, दूसरे बिजनेसमैन सहाफत में आए हैं, मेरा सहाफत ही बिजनेस है। इसके अंदर तलत हुसैन की भी रेटिंग्स नहीं आ रही थी। हामिद मीर के मुतालिक मैं अब आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, जियो के अंदरूनी जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। मीर शकील सीधे तरीके से हामिद मीर साहब को निकाल नहीं रहा था और वो मुख्तलिफ हीले बहाने जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे थे, यानी कि हामिद मीर की कभी तनख्वाह रोक ली जाती थी, कभी कट का कहा जाता था, कभी उसकी टीम की तनख्वाह रोक ली जाती थी, लेकिन वो फिर भी हामिद मीर साहब जो है वो वहीं पर डटे रहे और वो जियो से अपना जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें सारी बातें तनख्वाह की जरूरत भी नहीं है, उन्हें इधर उधर से मजीद काम जो है उनके पूरे हो जाते हैं माशाल्लाह। लेकिन इस सब के अंदर जो चीजें सामने आई कि ये मौका पाया मीर शकील ने और उसने हामिद मीर को चलता बना किया, क्योंकि इतनी तनख्वाह में वो मीर शकील पांच नए एंकर रख ले जो हामिद मीर साहब को दी जा रही है और फायदा नहीं हो रहा था, रेटिंग्स जो है वो लगातार ड्रॉप कर रही थी, अवाम रिजेक्ट कर रही थी क्योंकि अवाम के मुहाफिजों के खिलाफ बात करते थे हामिद मीर साहब। अब नाज़रीन कराम, मरियम नवाज ने भी इस पर ट्वीट किया हामिद मीर के इल्जामात पर, बाद में आते हैं, पहले आप जरा ये सुन लें। मरियम नवाज लिखती हैं, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं बल्कि अपने लिए मजीद मुश्किलात और मसाइल को जन्म देना है, इससे आग बुझेगी नहीं बल्कि मजीद भड़केगी, मगर कौन समझाए। ये पता नहीं मरियम नवाज साहिब अब किससे मुखातिब हैं, अपने पापा के दोस्त मीर शकीलुर रहमान से मुखातिब हैं जो कि सबसे चहीता चैनल है नून लीग का और नून लीग का अपने घर का चैनल समझा जाता है, या फिर पता नहीं ये किससे मुखातिब हैं। इसके साथ साथ परवेज रशीद जो हैं जो कि डॉन लीग्स के बड़े अहम तरीन किरदार थे, ये सारे वही किरदार हैं, आप देख लें नून लीग ग्रुप में से भी वही लोग सामने आ रहे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ हैं। परवेज रशीद लिखते हैं, सियासत सहाफत और अदालत से माइनस करने का चलन हमारे यहाँ नया नहीं,
सहाफत में नुसरत जावेद डॉन तलक जियो मती वक्त सोलंगी कैपिटल नजम सेठी 42 और अब ताजा तरीन वार हामिद मीर पर। आइए इससे पहले कि फस्कायत हम सबको निकल जाए इसका हाथ रोकने के लिए मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करें, यह परवेज रशीद कह रहा है। मलाला यूसुफजई का वालिद जो है जियाउद्दीन यूसुफजई वो भी मैदान में कूदा है और उसने लिखा है कि हामिद मीर पर पाबंदी लगाने से पहले एक बार ये जरूर सोच लिया जाता कि उनके लहजे की सख्ती इस नहज पर क्यों पहुंची। हामिद मीर आजादी सहाफत के मीरे का रवा है और इस तरह के जमीनों आसमान के कलाबे जो हैं वो हामिद मीर के हक में जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अब जरा आते हैं हामिद मीर के संगीन इल्जाम और हामिद मीर के मौकफ के ऊपर। नाज़रीन किराम, गुल बुखारी जो है जो कि मुल्क दुश्मन एक खातून है जो कि मुल्क से बाहर बैठकर अजीब व गरीब बातें करती है, उसने एक FIR भी नहीं बल्कि एक दरख्वास्त थाने में दी गई है एक शख्स की जानिब से जिसका नाम है तकरीबन, जिसके मुतालिक मैं आपको ये बताऊं कि ये सब एडिटर है एक अखबार है गुजरांवाला के अंदर जिसका नाम है डेली मखलूक, उसके सब एडिटर है। जिस तरह आम किसी पाकिस्तानी के जज्बात में जरूर है कि मेरी फौज के खिलाफ इसने बात की है तो मैं इसके ऊपर GFIR करवाऊंगा, उसने दरखास्त दी। गुल बुखारी ने इस दरखास्त की कॉपी शेयर की, इसे शेयर करके हामिद मीर ने रीट्वीट करके साथ क्या लिखा कि कहते हैं कि आई एम श्योर दिस डेली मखलूक इज नॉट रिलेटेड टू खलाई मखलूक, कि मुझे उम्मीद है कि ये जो रोजनामा मखलूक है इसका ताल्लुक खलाई मखलूक से नहीं होगा, यानी कि ये इशारा जो है वहीं पर देना चाह रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात करता हूं कि असद तूर पर हमला बिल्कुल हुआ होगा, वो कोई ड्रामा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ड्रामा जरूर हुआ। अब सार आलम पर हमला ड्रामा नहीं था लेकिन उसके बाद ड्रामा हुआ क्योंकि उसके बाद फौज मुखालिफ जो इनका बयानिया है वो सर पकड़ना शुरू हो जाता है। अब नाज़रीन किराम, हामिद मीर जो है उसकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है इस सब के ऊपर, आसमा शराजी की ट्वीट को रीट्वीट करके उसने साथ जो पूरे का पूरा अपनी राम कथा जो है बयान की वो यह है कि नथिंग न्यू फॉर मी, मेरे लिए ये कुछ नया नहीं है। आई वॉज बैंड ट्वाइस इन द पास्ट, मैं इससे पहले दो मरतबा माजी के अंदर जो है मेरे ऊपर पाबंदी लग चुकी है। लॉस्ट जॉब्स ट्वाइस, मैंने दो मरतबा अपनी नौकरी से हाथ धोए। सर्वाइव्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट्स बट कैन नॉट स्टॉप रेजिंग वॉइस फॉर द राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आईन के अंदर जो मुझे हुकूक दिए गए हैं उनके लिए आवाज उठाता रहूंगा। मेरी जिंदगी के ऊपर भी हमले किए गए, दिस टाइम आई एम रेडी फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस, इस मरतबा मैं किसी भी किस्म के नताइज के लिए तैयार हूं एंड रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट, क्योंकि मैं इस मरतबा किसी भी हद तक जाऊंगा। बिकॉज दे आर थ्रेटनिंग माई फैमिली, दे कौन है, ये वही दे हैं जिनके ऊपर हामिद मीर साहब बात कर चुके हैं कि ये मेरी खानदान को धमकियां दे रहे हैं, उन्हें खतरा लाक हो गया और अब मैं इनके साथ निपटूंगा, यानी डू और डाई सिचुएशन जो है हामिद मीर साहब जो है उन्होंने उसका ऐलान कर दिया है बाकायदा तौर पर। अब इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर मैं आपको दो तीन चीजें बताऊं। एक तो इत्तलात ये आ रही है कि हामिद मीर को फिलहाल मीर शकील ने कहा है कि तुम बस जाओ छुट्टी पे, तुम्हें बुलाना हुआ बुला लेंगे, यानी मीर शकील जो है वो बार इस चीज का नहीं उठा पा रहा जो अवाम के अंदर सेंटिमेंट्स पाए जा रहे हैं। तीन दिन तक टॉप ट्रेंड, आज तक ट्विटर पर आपको पता है कि जब भी कोई टॉप ट्रेंड बनता है तो वो एक दो दिन एक दो घंटे के अंदर वो ट्रेंड नीचे आ जाता है, जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट है वो इस चीज को समझ रहे होंगे। तीन दिन तक ट्रेंड चला रहा अरेस्ट हामिद मीर, अवाम अभी भी कह रही है जियो एक्सपेंड हामिद मीर, जियो ने आखिरी वक्त में एक अच्छा काम कर दिया। अवाम जियो को, जियो जैसे इदारे को कह रही है कि भाई तुमने चलो जिंदगी में कुछ तो ठीक किया, और अभी भी अवाम कह रही है कि हामिद मीर को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि उसने स्टेट के मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि तलाश यही आ रही है कि फिलहाल जो न्यूज एंकर है मोहम्मद जुनेद या तो उससे प्रोग्राम करवाएंगे या फिर वो जो इनका मॉर्निंग शो है जियो पाकिस्तान उसका होस्ट है अब्दुल्ला सुल्तान, उससे फिलहाल इस शो को होस्ट करवाएंगे जब तक इन्हें कोई नया बड़ा नाम नहीं मिलता, और फिर ये फैसला करेंगे कि कैपिटल टॉक ब्रांड जो है उसे बरकरार रखना है या फिर नए नाम से कोई नया ब्रांड जो है एक नया शो जो है वो मुतारिफ करवाना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है, इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्टेटमेंट है, वही सारा कुछ फौज के ऊपर इल्जाम, जबकि जियो से तो पूछो भाई, जियो तुम्हारा सबसे बड़ा सहाफत का आलमबरदार बनता है, जियो और जीने दो, प्रेस फ्रीडम फलाना ढिमकाना, इस तरह की हजारों चीजें जियो के ऊपर ताले लगा देते थे ये लोगों के ऊपर, काला कर देते थे लोगों, ओ भाई जियो से तो पूछो, सहाफत के सबसे बड़े आलमबरदार ने फारक किया है, जियो का बयान तो आने दो, खुद से ये जो लोग हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये तैयार बैठे होते हैं। आज इनमें से किसी को मार पड़ जाए एक मिनट नहीं गुजरेगा ये कहेंगे जी फौज ने कराया, ये कहेंगे जी ISI ने कराया, और ये असर तूर जो है ये खुद तो निखट्टू था ही था, इसने हामिद मीर को भी उस्ताद को भी ले डूबा है और उसकी नौकरी पर भी इसने पानी फेर दिया है। लेकिन हामिद मीर जो है उन्होंने जो संगीन इल्जाम लगाए हैं कि ISI जो है उनके खानदान को थ्रेटन कर रही है और हामिद मीर किसी भी हद तक जाएगा और हामिद मीर जो है वो इन्हें बाकायदा तौर पर इनका मुकाबला करेगा, ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस पूरी चीज के मुतालिक क्या समझते हैं, इसके पीछे कौन हो सकता है, असल वजह क्या है, ये सब कुछ आपने अपनी राय का इजहार करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, इसी तरह आपका मेरा ये साथ बरकरार रह सके। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।